दोस्तों बिग बॉस सीजन 16 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर टीना दत्ता एमसी स्टैन को हद से ज्यादा भड़काते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल टीना दत्ता को कहीं ना कहीं स्टैन, गोरी और इनका जितना भी बॉन्ड है, जैसे शिव के साथ में जो दोस्ती है, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और इसी के चक्कर में इस समय टीना दत्ता अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है ताकि एमसी स्टैन किसी न किसी तरीके से अपने ही दोस्तों के खिलाफ हो जाए। दरअसल दोस्तों टीना दत्ता एमसी स्टैन को बता रही है कि तुम जो भी फैसला लेते हो वो शिव के पीछे फैसला लेते हो। किसी भी टास्क में शिव जो कह देता है तुम लोग वैसा ही करते हो। शिव से तुम लोग थोड़ा पीछे हट जाओ क्योंकि शिव तुम्हें ले डूबेगा, इसलिए शिव की बातों को मत सुना करो। क्योंकि मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि शिव जिसका नाम टास्क में ले लेता है, आप सब लोग मिलकर उसी का नाम लेते हो और फिर उसी को टारगेट करते हो। उसने तो बिग बॉस का मराठी सीजन किया हुआ है, लेकिन तुम लोग इस गेम में नए हो। दरअसल दोस्तों यहाँ पर शिव अक्सर अपने दोस्तों का साथ देते हैं और एमसी स्टैन भी शिव का हमेशा साथ देते हैं। ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं टीना दत्ता को और घर के बाकी कंटेस्टेंट्स को पसंद में नहीं आ रही है। और इसी के चलते यहाँ पर टीना दत्ता सुबह होते ही एमसी स्टैन को शिव के खिलाफ कान भड़काने में लगी हुई है। इसके अलावा टीना ने एमसी स्टैन को ये भी कहा कि तुम तो अब निमृत के भी काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हो, तुम्हारी टीम में तो एक और शामिल हो गई है। लेकिन स्टैन ने साफ तौर पर कह दिया है कि देखो निमृत मेरी दोस्त नहीं है, मेरी इतनी ज़्यादा उससे बात भी नहीं होती है, वो शिव की दोस्त है और शिव के साथ उसकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। जिस पर टीना ने शिव के खिलाफ भड़काते हुए स्टैन को कहा कि शिव को तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट चाहिए होते हैं, इसलिए वो हर एक को अपने टीम में लेना चाहता है, सबके साथ अच्छी दोस्ती कर रहा है, लेकिन तुम लोग भी शिव से बच कर रहना। खैर दोस्तों यहाँ पर टीना ने तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर दी है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीना के बहकावे में एमसी स्टैन आते हैं या नहीं। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या टीना सही कर रही है या गलत? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप भी एमसी स्टैन के फैंस हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिग बॉस की हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।